तो स्टूडेंट्स देखिए क्राइटेरिया बताना हमें सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो उसमें देखिए हमें कुछ नहीं करना होता है, अगर हमारे पास एंगल ए टू ट्राइंगल सिमिलर कब कहेंगे, जब हमारा एंगल ए डी के इक्वल हो, बी हमारा ई के इक्वल है और सी हमारा एफ के इक्वल है और इनका जो साइड्स का रेशियो है इसमें ए बी डी ई और बी सी ई एफ और ए सी डी एफ के इक्वल है, इनका रेशियो इक्वल है तो हमारे ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और एक कंडीशन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास टेंथ में क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करना होगा, इसमें एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो ई के इक्वल है राइट, और अगर तो हमारा एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारे टू साइड्स का रेशियो इक्वल है, जैसे ए बी डी ई और बी सी ई एफ इनका रेशियो इक्वल है एंड इसमें वन एंगल जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, तो हमारा एस ए एस रूल से ये भी सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल राइट। तो ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे आप ओके।